अपना कैमरा ऑन करो। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, ओके आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभात मैम। ओके सुप्रभात। अब्राहम सब सुप्रभात मैम। अच्छा जी सुप्रभात। चलो गुड आफ्टरनून मैम। सो राजू रंजन आपने ये कंप्यूटर का पिक्चर बनाया है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने रूम बनाया, आपने होमवर्क बहुत खूबसूरत बनाया, विंडोज बना दिए उसमें, थैंक यू मैम, बनाया सीपीयू ईच एंड एवरीथिंग आपका बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मुझे बोलना आपने अपना सारा काम कंप्लीट किया हुआ है और बहुत अच्छे से किया, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है। यस। ओके सो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, और आज की क्लास का आप लोग को तो पहले से पता है हेडिंग क्या डाला हुआ था, शब्दकोश। ठीक है, और उस शब्दकोश में बहुत सारी चीजें हैं जिसे कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जैसे पर्यायवाची शब्द मैम पहले ही करवा चुकी हैं, है ना, विलोम शब्द भी मैंने करवा दिया है, विशेषण के शब्द भी मैंने करवा दिया है, लिंग बदलो भी मैंने करवा दिया है। एक जो पॉइंट है जो अभी तक हमने नहीं किया है वो क्या है, समान लय वाले शब्द, जिसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। और ये समान लय वाले शब्द आज हम कुछ अलग तरीके से करेंगे तो समान लय वाले शब्द, लेकिन आपका होमवर्क जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन द सेंस कि कुछ अलग तरीके से होगा। और वो अलग तरीका क्या है, वो ये कि इसके बाद सभी बच्चों को 8 लाइन की एक कविता तैयार करनी है। ठीक है, और वो कविता कैसे तैयार करेंगे, आप समान लय के आधार पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब समान लय वाले रहते हैं तो लयात्मक शब्द के साथ कविता बन सकती है, और इससे आपको ढेर सारे आप समान लय के शब्द भी बनाएंगे। तो ये है समान लय वाले शब्द, आज की क्लास का है समान लय वाले शब्द। समान लय वाले शब्द इसको हम कितने नाम से जानते हैं, तुकांत शब्द। ठीक है, तुकांत का मतलब होता है जिनके लास्ट के वर्ड्स जो होते हैं ना वो मिलते हैं, तुकबंदी जिसको हम बोलते हैं। हाँ सर, आई एम इन क्लास। तो इस शब्द को हम क्या बोलते हैं, समान लय वाले शब्द, तुकांत, लास्ट में जिनकी तुकबंदी होती है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है, लयात्मक शब्द, जिसके की लय मिलते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और इसका क्या खास बात होता है, इन शब्दों की खास बात क्या होती है, उनकी ध्वनि यानी कि साउंड, मात्रा और व्यंजन सेम होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहां देखो तुकांत शब्द तो लास्ट में क्या है, शब्द शब्द, आना जाना तो ना और ना की मात्रा है, इस तरह से उनके जो आखिरी अक्षर होता है वो सेम होता है। आज आदित्य की क्लास में कौन बैठा हुआ, आदित्य कुमार और आयुष कुमार एक साथ क्लास कर रहे हैं क्या, अनम्यूट करो तो। आदित्य कहाँ गायब हो गया आदित्य, ओके चलो ये पेंसिल को बाल में नहीं लगाते सभ्या। ओके देखो यहाँ पर ताला माला, ये छोटे से मैं शुरू कर रही हूँ, छोटे बच्चों से, ताला माला तो ला और ला, झरना भरना, ना और ना, हीरा जीरा तो रा और रा, देखो ये तुकान शब्द है ना, हीरा जीरा ताला माला झरना भरना केला मेला, कैसा पैसा जैसा तैसा वैसा, है ना। तो ये हो गए आपके समान लय वाले शब्द, तुकांत शब्द। अच्छा आप सभी बच्चे ये एक पाठ है मैना शैला की, मैना 1 क्लास में सबने पढ़ा है, देखो सैर गैया हैरान फैला कैसा,
और इसे हमें क्या करना था, इसके समान लय वाले शब्द लिखने थे, लिखने थे ना, और हमने इसके शब्द लिखे भी थे, तो ये समान लय वाले शब्द। अच्छा, समान लय वाले शब्द में यहां देखो एक लाल रंग से जितना भी लिखा हुआ है। शेफाली बेटा अच्छे से बैठिए, शेफाली अच्छे से बैठो बेटा, वेरी गुड, अच्छे से बैठिए। समान लय वाले शब्द, यहां लाल रंग के शब्द हैं वो समान है, देखो नल फल। शेफाली चलो बोलो तो बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ, बोलो एक शब्द बोलो। मैम मैं म्यूट हूं। हाँ तो बोलिए आप, उसके बाद नल फल जल थल। प्रणव आप बोलिए, उसके बाद जिज्ञान श्रेष्ठ बोलिए अनम्यूट करके। जिज्ञान अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। चलिए पढ़िए तो बेटा। नल फल जल थल। हाँ बस यस दुमारिया मैम म्यूट। आरुणी सब फल जल फल जल। मैम हमने इसे खुद से भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। मैम नानी पानी पानी मामी रानी। वेरी गुड। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे लय वाले शब्द हैं, समान लय वाले शब्द हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्दों पे आते हैं हम। भाषा अभ्यास में ये एक छोटा सा ही चैप्टर था, क्योंकि आपके पास इसका छोटे से ही है। भाषा अभ्यास में ये होमवर्क आपको कहाँ लिखना है, डायरी में। भाषा अभ्यास में आए सभी समान लय वाले शब्दों को एक साथ लिखें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क जो मैंने आपको बताया वो क्या है, समान लय वाले शब्दों को एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे और उससे एक हम कविता बनाएंगे। उससे हम क्या बनाएंगे, एक कविता बनाएंगे। आप इसे लिख रहे हैं ना, और अभी मैं किसी बच्चे को बोलूंगी, वो अपने आप को क्या करेगा, अनम्यूट करेगा, ठीक है, और वो मुझे बताएगा कि उसे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे और हमें करना है, ठीक है। और ये मैं किस बच्चे को बोलूं, देखो जरा मैं बच्चे ढूंढ लूं क्लास में। कन्हैया जी को ले, हर्षवर्धन को लेते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन यूनिफॉर्म में है। ओके हर्षवर्धन अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। हर्षवर्धन आप ये मुझे बताइए, पहले अपना सेक्शन बताइए कि आप 3A में पढ़ते हैं। यस मैम मैं 3A में ही पढ़ता हूँ। हाँ हाँ तो आप सबको बता दीजिए कि मैं 3A में पढ़ता हूँ, ठीक है। अब हर्ष 3A में पढ़ता हूँ। हाँ अब 3A से हर्षवर्धन मुझे बताएगा कि 3A का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैम 3A का और अभी 3E सिलेबस देखना पड़ेगा। अच्छा तो फिर ठीक है, हम आपको थोड़ा टाइम देते हैं, आप देख लीजिए। और इतने में ही मैं दूसरे बच्चों को भी टाइम देती हूँ, जो कि सी से हो सकते हैं। वैभव राज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। आपको भी सेम वर्क करना है, अब तक जितना मैम ने पढ़ा दिया उसमें से क्या ऐसा रह गया है जो 3C में नहीं कराया गया। और इधर हम आते हैं 3D में, राजीव रंजन से बात करेंगे, अनम्यूट करेंगे राजीव। आप मुझे बताएं कि 3D में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके मैम। ठीक है, आप सभी बच्चे अपना सिलेबस निकाल लीजिए, सिर्फ आप तीनों ही अनम्यूट रहेंगे और अभी कोई अनम्यूट नहीं, ठीक है। आप लोग अपना सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस निकल गया बेटा? यस मैम। ओके तो ये किसने कंप्लीट कर लिया है?
आराध्या सिन्हा गुड मॉर्निंग मैम बेटा गुड मॉर्निंग स्तुति क्या दिखा रही है स्तुति क्या दिखा रही है मैम मैंने आपको सिलेबस का फोटो भेजा था हाँ बेटा अच्छा हर्षवर्धन ने भेजा है बेटा हाँ बेटा आपने भेजा है और मैंने आपसे बात भी किया है लेकिन क्या है ना जब मैं क्लास में बोलती हूँ कि ये कंप्लीट हो गया तो कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं क्लास में ही आपसे बात कर रही हूँ कि आप मुझे बताइए कितना कंप्लीट हुआ है उन सबको भी पता चल जाए ना कि हाँ ये चीज हो चुका है और वो खुद से करेंगे ठीक है रखते रहिए आप होली का निबंध जो है हमने कर लिया है ना तो उसी के साथ होली का निबंध जिस पेज में किया है जैसे हमने कंप्यूटर का किया था ना सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे 3D के बच्चे स्पेशल तो होली का निबंध जो है हम क्या करेंगे होली के निबंध के साथ में हम होली का पिक्चर भी बनाएंगे ठीक है और इस तरह से ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा होली का चित्र बनाओ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 3D के बच्चे मेरा हो गया ठीक है बेटा रुक जाओ हर्षवर्धन वेट करो सो 3D के बच्चे आज ध्यान देंगे आज आपको होली का चित्र भी बनाना है सानवी ये चूहे और बिल्ली भेजना बंद करो नहीं तो मैं चैटिंग स्टॉप कर दूंगी ठीक है सो ये पूरा अभी नहीं अनम्यूट नहीं अपने आप को अनम्यूट नहीं करना बेटा राजीव ठीक है तो 3D में बस कुछ ही चीजें रह गई है पहली प्रतियोगिता जो कि मुझे तीनों सेक्शन को मिला के करवाना है हाँ बेटा सिस्टम में देख रही हूँ तुम्हारी ड्रॉइंग बहुत अच्छी है और उसके बाद फिर जल बचाओ पर और एक कार्ड बनाओ रह गई गांव का पिक्चर बनाने वाला ये एक दिन सभी क्लास के लिए करवा दूंगी अब आते हैं हम लोग वैभव राज 3C ऑन कर लेना अपना कैमरा बेटा नाउ राजीव तुम अपने आप को म्यूट कर सकते हो बेटा हर्षवर्धन मैम यस सर हाँ बेटा मैम मैम प्रयोजन कार्य में भी बांसुरी वाले के साथ चूहे का चित्र बनाया ये भी नहीं हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र बनाया ये भी नहीं हुआ कंप्यूटर का चित्र तो हो गया है लाल बहादुर बांसुरी वाले और मैम हो गया सारा ठीक है ये अब मैं करवा लूंगी अच्छा अभी हर्षवर्धन आप बताइए 3D में क्या हो गया 3D में पहली बाकी है बोलिए बोलिए मैम 3A से मैं सॉरी 3A से हाँ बोलो बेटा मैम 3A से पेंसिल के छिलकन का प्रयोग कर बधाई कार्ड बनाए ठीक है पेंसिल के छिलके का बाल पत्रिका से कविता लिखे ठीक है राखी बनाए ठीक है अरे राखी कंपटीशन तो हुआ था ना मैम नहीं हुआ था अच्छा कविता का तो मैंने होमवर्क दे दिया ना आपको इसमें कविता का होमवर्क दिया है ना कि बाल पत्रिका से कविता लिखे स्तुति बेटा मैंने देख लिया बेटा बहुत खूबसूरत है आपका हाथ थक जाएगा बेटा नीचे कर लो आपने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है स्तुति मैंने देखा बहुत प्यारा है ठीक है बेटा कविता मैंने एक दिया है लिखने के लिए तो वो आप बाल पत्रिका से भी लिख सकती है और खुद से भी बना के तो इससे बेटर कि हम लोग खुद से बना के लिखे ठीक है और दूसरा बताइए पहली प्रतियोगिता ठीक है पहली प्रतियोगिता फिर 9 words का कार्ड अब आप ध्यान से सुनिए 9 words का कार्ड जल बचाओ गांव का चित्र बना करके उसके बारे में लिखो होली और लाल बहादुर शास्त्री और बांसुरी डियर चिल्ड्रन मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों का चैट जो है वो ऑफ कर रही हूँ ठीक है मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके बात बंद कर देती हूँ हम लोग जो बात कर रहे हैं ना